तो पहली वीडियो में हमने पढ़ा था कि NaBH4 कैसे रिडक्शन करता है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हमें अगर एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन, हमने पढ़ लिया था कि NaBH4 के साथ एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन करते हैं। NaBH4 में हमने ये पढ़ा था कि एस्टर कार्बोजिलिक एसिड अमाइड इनका रिडक्शन नहीं करेगा, NaBH4 सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन करेगा। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि अगर 1,4 एडिशन कर सकता तो 1,4 एडिशन करेगा NaBH4, लेकिन 1,4 एडिशन के बाद अगर कीटोन बनता है उसका रिडक्शन कर देगा, 1,4 एडिशन के बाद एस्टर वगैरह ये बचते हैं इनका रिडक्शन नहीं कर पाएगा। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि अगर एस्टर का रिडक्शन करना है तो कैसे करेंगे। एस्टर का रिडक्शन करने के लिए अब हम पढ़ेंगे रिडक्शन ऑफ एस्टर। रिडक्शन ऑफ एस्टर, एस्टर होता है कार्बोजिलिक एसिड, उसके बाद ओ आर ग्रुप, ये होता है एस्टर, इसको बोलते हैं एस्टर ग्रुप, COOR, ये एस्टर ग्रुप होता है। इसका रिडक्शन करने के लिए सबसे बेस्ट रिएजेंट जो होता है, बेस्ट रिएजेंट होता है एस्टर का रिडक्शन करने के लिए, लिथियम बोरोहाइड्राइड, LiBH4। लिथियम बोरोहाइड्राइड इज द बेस्ट रिएजेंट फॉर रिडक्शन ऑफ एस्टर्स। लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं है कि कीटोन और एल्डिहाइड का रिडक्शन नहीं कर सकता, कीटोन और एल्डिहाइड का रिडक्शन भी कर सकता है, कीटोन और एल्डिहाइड का रिडक्शन भी कर देगा LiBH4, लेकिन NaBH4 से थोड़ा कम रिएक्टिव होता है, इसलिए हम एस्टर के लिए, थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव होता है इसलिए एस्टर के लिए यूज करते हैं। NaBH4 में प्रॉब्लम क्या थी, NaBH4 इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं था कि एस्टर का भी रिडक्शन कर पाए, लेकिन LiBH4 इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि कीटोन का कर सकता है, एल्डिहाइड का कर सकता है, एस्टर तक रिडक्शन कर सकता है। NaBH4 एल्डिहाइड कीटोन तक रिडक्शन कर सकता है, लेकिन LiBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड ने रिडक्शन किया था कीटोन तक, लेकिन लिथियम बोरोहाइड्राइड रिडक्शन कर देगा एस्टर तक, आगे नहीं कर पाएगा। LiBH4 रिडक्शन कर देगा एस्टर की, कीटोन की, एल्डिहाइड की, लेकिन कार्बोजिलिक एसिड अमाइड और कार्बोक्सिलेट की रिडक्शन नहीं कर पाएगा, यहां तक रिडक्शन कर देगा एस्टर तक। इसका मीनिंग कीटोन की भी कर सकता है, एल्डिहाइड की भी कर सकता है, एस्टर की भी कर सकता है, इन तीनों की कर सकता है, आगे वालों की नहीं कर सकता। तो अगर आपके कंपाउंड में ये तीनों कंपाउंड है तो वहां पर ध्यान रखना पड़ेगा कि कीटोन की भी कर देगा, एल्डिहाइड की भी कर देगा, एस्टर की भी कर देगा। अगर आपने एक इक्विवेलेंट लिया है तो सबसे पहले एल्डिहाइड की करेगा बस, बाकी की नहीं करेगा। दो इक्विवेलेंट लिया तो इसकी भी कर देगा, इसकी भी कर देगा। तीन इक्विवेलेंट लिया तीनों की कर देगा, और ध्यान रखना पड़ेगा आपको क्योंकि LiBH4 इसकी भी कर देगा, लेकिन इसके साथ साथ इन दोनों की भी कर देगा। मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म वही सिंपल है इसका भी, पहले जैसा ही। सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास ये वाला चीज है LiBH4, BH4 में ऐसे लिखता हूँ, BH4 नेगेटिव, यहाँ पे ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन के साथ अटैक कर देगा यहाँ कार्बोनिल ग्रुप पे, ये वाला बॉन्ड ऊपर की साइड शिफ्ट होगा और यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, इस कार्बन से जुड़ गया, यहाँ पे ओ आर ग्रुप है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब आपको ध्यान देना है, नेगेटिव चार्ज आने के बाद अब एक चीज ध्यान से सुनो, कोई भी कार्बोनिल ग्रुप हो, कोई भी कार्बोनिल ग्रुप हो, उसमें रिएक्शन एक ही टाइप से होती है सारी की सारी। कैसे होती है उसमें रिएक्शन, देखो कोई भी कार्बोनिल ग्रुप हो, सॉल्ट में बता रहा हूँ, कोई भी कार्बोनिल ग्रुप हो, कोई भी कार्बोनिल ग्रुप हो, रिएक्शन दो टाइप से होती है। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आएगा, यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये इंटरमीडिएट बन जाएगा। इस इंटरमीडिएट को बोलते हैं टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। इस टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट से दो चीजें हो सकती हैं, इस टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट से दो चीजें हो सकती हैं। या तो मैं कहूं कि ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट एच पॉजिटिव लेके सॉल्यूशन से OH बन जाएगा, या फिर क्या होगा, ये जो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है बना है हमारे पास, ये अगर यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप है जो बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है जो छोड़ के जा सकता है, तो ये बॉन्ड नीचे आएगा और ये लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, वापिस से कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। ये दो टाइप से रिएक्शन होती है कार्बोनिल ग्रुप में, सारी ही रिएक्शन ऐसे होती है, ऐसे अटैक होगा, ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनेगा। कोई भी अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है तो ये एच पॉजिटिव लेके अल्कोहल बन जाएगा, अच्छा लिविंग ग्रुप है तो वो निकल जाएगा, वापिस से कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएगा। अब हमें कैसे पता अच्छा लिविंग ग्रुप क्या होता है, जो यहां से निकल के जाएगा, देखो यहां से क्या निकल के जाएगा, एक्स नेगेटिव निकल के जाएगा इलेक्ट्रॉन लेके, इस एक्स नेगेटिव के साथ हाइड्रोजन लगा दो, HX बन गया। अगर ये HX स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये जो इसका नेगेटिव पार्ट है यानी कि एक्स नेगेटिव है, ये गुड लिविंग ग्रुप है। अगर ये वीक एसिड है तो ये गुड लिविंग ग्रुप नहीं है, ठीक है।
तो ये ध्यान देना है। लेकिन इसमें भी हम कार्बोनिल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि डिपेंड करता है निकल के जाएगा कि नहीं। अगर आपका अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है लेकिन न्यूक्लियोफाइल बहुत स्ट्रांग है तब भी निकल के चले जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास न्यूक्लियोफाइल भी स्ट्रांग नहीं है, लिविंग ग्रुप भी अच्छा नहीं है, तब भी आप निकाल सकते हो। उसमें हम एसिड की हेल्प से निकाल सकते हैं, एसिड कैटलाइज्ड मैकेनिज्म होता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दो क्या होगा, अब यहाँ से क्या होता है, ये मोड़ नीचे आता है और यहाँ से ओआर निकल जाता है। तो देखो क्या बनेगा फिर हमारे पास, ये हमारे पास एल्डिहाइड बन गया। अब एल्डिहाइड बनने से हमने क्या हुआ, एल्डिहाइड तो और भी ज्यादा रिएक्टिव है एस्टर से। अब ये जो LiBH4 है फिर से एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा। एल्डिहाइड के साथ कैसे रिएक्शन करेगा, मैकेनिज्म हमने पहले वीडियो में कर लिया। तो यहां से क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। तो ये ध्यान देना है कि LiBH4 रिडक्शन तो कर देगा कि एस्टर ग्रुप की, लेकिन इसके साथ साथ ही एल्डिहाइड और कीटोन की भी रिडक्शन कर सकता है। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर एल्डिहाइड कीटोन भी है साथ में एस्टर के साथ, तो उनका रिडक्शन पहले होगा, एस्टर का बाद में होगा, ठीक है। ये चीज ध्यान देनी है। तो ये था रिडक्शन ऑफ एस्टर ग्रुप। अब कुछ एग्जाम्पल देख लो। सपोज करो हमारे पास ये कंपाउंड है, ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, यहाँ पे एस्टर ग्रुप है, यहाँ पे यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। इसके अंदर हमने ऐड कर दिया NaBH4, यहाँ पे हमारे पास एस्टर ग्रुप है, यहाँ पे हमारे पास कार्बोजिलिक एसिड ग्रुप है, यहाँ पे हमने कर दिया LiBH4, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कीटोन ग्रुप है, यहाँ पे हमारे पास ओके ठीक है, इतना बहुत है, ठीक है। यहाँ पे हमने सपोज करो कीटोन नहीं है, दो ही ग्रुप है, इतना सपोज कर लो, ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है, CHO ग्रुप है, तो हमें क्या पता NaBH4 CHO की रिडक्शन कर सकता है, कीटोन की रिडक्शन कर सकता है, लेकिन एस्टर की नहीं कर सकता। तो यहाँ पे सिर्फ एल्डिहाइड ग्रुप की रिडक्शन करेगा, और जब एल्डिहाइड ग्रुप की रिडक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे एल्कोहल बन जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, LiBH4 हमें पता है एस्टर की रिडक्शन कर सकता है, एल्डिहाइड की रिडक्शन कर सकता है, कीटोन की कर सकता है, लेकिन कार्बोजिलिक एसिड की रिडक्शन नहीं करेगा। तो यहाँ पे एल्कोहल बन जाएगा, ये एज इट इज बच जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यही था और कुछ नहीं है। अच्छा सोलवेंट हमें पता है, यहाँ पे इथेनॉल है सोलवेंट, ठीक है, यहाँ पे भी इथेनॉल है सोलवेंट। तो ये ध्यान देना, दोनों में इथेनॉल है सोलवेंट, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। तो ये था हमारा रिडक्शन यूजिंग LiBH4 लिथियम बोरोहाइड्राइड। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, देखते हैं क्या आएगा टॉपिक आगे। तो इस वीडियो में इतना ही।